गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ने श्यामपट कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में श्यामपट कौशल के परिचय, अर्थ एवं परिभाषा एवं प्रकार के बारे में अध्ययन किए हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने श्यामपट कौशल के उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। श्यामपट कौशल का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से श्यामपट कौशल को पढ़ाया जाता है, श्यामपट का क्या किस तरह प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन करेंगे। तो श्यामपट कौशल के उद्देश्य, श्यामपट के समुचित प्रयोग में छात्रा अध्यापक को दक्ष बनाना। हम जानते हैं कि कोई भी छात्रा अध्यापक जब ट्रेनिंग लेता है तो वह श्यामपट प्रयोग करने में बहुत सारी त्रुटियां करता है, तो वह धीरे धीरे सारी त्रुटियों को दूर कर श्यामपट का समुचित प्रयोग करना सीखता है। तो इसमें सबसे पहले हमें यह सिखाना है कि श्यामपट को समुचित प्रयोग छात्रा अध्यापक कैसे करे, इसमें उसे दक्ष बनाना। सेकेंड पॉइंट है, छात्रा अध्यापक को छात्रों का ध्यान श्यामपट पर केंद्रित करने में कुशल बनाना। श्यामपट कौशल का एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि उसे किस प्रकार श्यामपट पर अपने छात्र को ध्यान केंद्रित करे, किस तरह श्यामपट पर लिखे कि वह अपना कार्य भी कर सके और जो उसके छात्र हैं क्लासरूम में कक्षा कक्ष में बैठे हुए हैं वो भी श्यामपट पर ध्यान केंद्रित करे। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण कार्य में श्यामपट की सक्रियता को बढ़ाना। यानी कोई भी छात्राध्यापक जब शिक्षण कार्य करने जाता है, प्रैक्टिस टीचिंग में जाता है, अपने जो प्रकरण है बच्चे के सामने बच्चों के सामने उसे प्रकट करना है, प्रत्यक्ष उसे पढ़ाना है, तो वह किस प्रकार अपने प्रकरण को पढ़ाए, उसमें से मुख्य बिंदु को किस तरह श्यामपट पर लिखे और श्यामपट पर लिखकर बच्चे को समझाएं। श्यामपट पर वही चीज़ लिखना चाहिए जो बच्चे को समझ में ना आए, उसे श्यामपट पर लिखकर सरल और सुगम बनाएं और बच्चे को इस तरह समझाएं कि वह ज्ञान बच्चे के लिए अस्थाई हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रा अध्यापक द्वारा शब्दों एवं वाक्यांशों को स्पष्ट करने के लिए श्यामपट का समुचित प्रयोग करना। यानी जब कोई भी शिक्षक या छात्राध्यापक कोई टॉपिक को पढ़ा रहा है उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं या वाक्यांशों ऐसे होते हैं जो स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, तो छात्राध्यापक क्या करते हैं, उस शब्द या वाक्यांश को श्यामपट पर लिखता है और लिखकर बच्चे को समझाता है। श्यामपट पर अगर कोई भी शब्द या वाक्यांश लिखकर बच्चे को समझाते हैं तो वह बच्चे को समझ में जल्दी से आ जाता है। कुछ ऐसे चीज़ है जो मौखिक हम लोग समझाते हैं तो नहीं समझ पाता है, लेकिन वही चीज़ किसी बच्चे को अगर श्यामपट पर लिखकर समझाएंगे तो वह जल्दी से समझ जाता है। तो ये है श्यामपट के उद्देश्य। अब अगला पॉइंट है, श्यामपट के आवश्यकता। यानी श्यामपट की आवश्यकता क्यों है, श्यामपट को कक्षा कक्ष में किस प्रकार रखना चाहिए, किस स्थान पर रखना चाहिए, श्यामपट को किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन करेंगे। तो श्यामपट की आवश्यकता, श्यामपट कक्षा कक्ष के मध्य में लगा होना चाहिए जिससे कक्षा में उपस्थित सभी छात्र उसे आसानी से देख सके। यानी श्यामपट जो है कक्षा कक्ष के मध्य में रहेगा तो क्या होगा, कोई भी बच्चा दूर भी बैठेगा इधर भी बैठेगा तो उसे दिखाई देगा और उस पर जो चीज़ लिखा हुआ है वह उसे समझ लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, श्यामपट पर जो भी लिखा जाए वह शुद्ध, सम्मान, आकर्षक एवं स्पष्ट होना चाहिए। कभी भी श्यामपट पर अनावश्यक चीज़, अशुद्ध शब्द या असमान
कुछ अच्छा छोटा होता है, कुछ बड़ा होता है, इस तरह नहीं लिखना चाहिए। सुंदर सुंदर शब्दों लिखना चाहिए, सुंदर सुंदर अक्षरों में श्यामपट्ट लिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, श्यामपट्ट पर सीधी पंक्तियों में लिखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों ने एक कोना से शुरू करते हैं और दूसरे कोना पर पहुंच जाते हैं तिरछा, तो हमें तिरछा कभी नहीं श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए, श्यामपट्ट पर हमेशा सीधी लाइन में लिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, श्यामपट्ट पर लिखते समय कभी कभी छात्रों को और अर्थात कक्षा कक्ष पर भी शिक्षक को ध्यान होना चाहिए। कभी कभी ये देखते हैं हम लोग, कोई शिक्षक क्या करते हैं, सिर्फ मग्न हो जाते हैं श्यामपट्ट पर लिखने के लिए, सीधा खड़ा हो जाएंगे और कक्षा कक्ष में उसका छात्र विद्यार्थी क्या कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। इसलिए हमें कक्षा कक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए, श्यामपट्ट पर लिखिए, कभी कभी छात्र पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अब चलिए नेक्स्ट है श्यामपट्ट का महत्व। श्यामपट्ट का महत्व, श्यामपट्ट का महत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह कौशल शिक्षण प्रक्रिया का एक भाग है, यानी हमारी शिक्षण प्रक्रिया का जो होता है उसमें श्यामपट्ट कौशल का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसका एक महत्वपूर्ण भाग है श्यामपट्ट, क्योंकि श्यामपट्ट की सहायता के बिना हम अपने शिक्षण को सुचारू और महत्वपूर्ण नहीं बना सकते हैं। श्यामपट्ट की सहायता से ही कोई भी छात्राध्यापक या छात्र अध्यापक के साथ साथ शिक्षक भी श्यामपट्ट की सहायता से ही अपने शिक्षण को प्रभावशाली और रुचिकर बनाते हैं। क्योंकि अगर कोई बच्चा पढ़ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनकी कही हुई बात को बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो यह क्या करेगा, श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चे को समझा देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे को यह ज्ञान प्राप्त करना सरल हो जाता है और उस जो इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करता है वह अस्थायी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक शिक्षक इसी के माध्यम से शिक्षण अधिगम कार्य प्रारंभ करते हैं। हम लोग भी कभी क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले श्यामपट्ट को प्रयोग करते हैं, श्यामपट्ट को देखते हैं कि श्यामपट्ट साफ है कि नहीं, श्यामपट्ट पर कोई अनावश्यक चीज़ तो लिखा नहीं है, उसे हम लोग सबसे पहले साफ सुथरा करते हैं। डेट, प्रकरण, सब्जेक्ट, समय अवधि, कक्षा इत्यादि पहले हम लोग उस पर लिखते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक पढ़ाना है, जो प्रकरण हमारा है, उसको हम लोग लिखते हैं। श्यामपट्ट पर अगर कोई टॉपिक या प्रकरण जब लिख देते हैं तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि सर आज हमें ये चीज़ पढ़ाएंगे, इसलिए हमें श्यामपट्ट कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी सहायता से एक शिक्षक अपने प्रकरण को अपने छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, यानी कोई भी शिक्षक या छात्राध्यापक जब क्लासरूम में पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले श्यामपट्ट पर जो चीज़ पढ़ाना है वह लिख देते हैं, तो बच्चे के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि आज हम लोगों को यही चीज़ पढ़ना है, बाबर के बारे में पढ़ना है कि अकबर के बारे में पढ़ना है कि मुगल वंश के बारे में पढ़ना है, यानी जो कुछ भी पढ़ना है, या साइंस में जो भी टॉपिक पढ़ना है कि हिंदी पढ़ना है, ये सारी चीज़ बच्चे को दिमाग में आ जाती है। इसलिए कोई भी शिक्षक जब क्लासरूम में जाते हैं तो सबसे पहले अपने प्रकरण को श्यामपट्ट पर लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी सहायता से एक शिक्षक अपने शिक्षण को सरल एवं प्रभावशाली बनाते हैं, यानी श्यामपट्ट की सहायता से एक शिक्षक क्या करते हैं, अपने जो प्रकरण है, जो पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को, अपने छात्र को जो समझाना चाहते हैं, वह श्यामपट्ट की सहायता से सरल और प्रभावशाली बनाकर उसे समझा देते हैं। इसे होता क्या है, जो इसके द्वारा जो भी ज्ञान बच्चे को मिलता है वह अस्थायी हो जाता है। मंद बुद्धि के बालक को भी हम लोग श्यामपट्ट पर लिख कर उसे अच्छे से अच्छी तरह से समझा देते हैं। तो एक कुशल अध्यापक को या छात्राध्यापक को श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग करना चाहिए, श्यामपट्ट को बारे में जानना चाहिए उसके। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में श्यामपट्ट के उद्देश्य, श्यामपट्ट की आवश्यकता एवं श्यामपट्ट का महत्व के बारे में अध्ययन किए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।
धन्यवाद।